रामगंगा बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना आंदोलन। आपको बताते चले, रामगंगा बैराज बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना के शीघ्र निर्माण को लेकर किसान एकता संघ का प्रतिनिधि मंडल रामगंगा खंड के चीफ से कल दिनांक 24 अक्टूबर को मुरादाबाद में मिलकर शीघ्र निर्माण की मांग करेगा और अगर शीघ्र इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन चेतावनी दी जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। डंडा हाथ में लेना पड़ता है। रामगंगा बैराज परियोजना को गंगा जल हाथ में लेकर हमने कसम खाई है। कसम खाई है, बिल्कुल सही बात है। या तो इसे शीघ्र पूर्ण कराएंगे, वरना अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो जेल जाने के लिए सब लोग तैयार है। ये हमारी संपत्ति। किसान एकता संघ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ और मेरे साथ में यह राष्ट्रीय सचिव यज्ञ प्रकाश गंगवार जी, प्रदेश के अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा जी, हमारे महासचिव डॉक्टर हरिओम राठौर जी, हमारे शमीम परवाज जी हैं, रामपुर जिले के अध्यक्ष हैं, हमारा नितिन चौधरी है, क्या नाम है ये, हाँ अनुज चौधरी, ये मुरादाबाद के अध्यक्ष हैं हमारे। ये आज हम इसलिए आए हैं यहाँ पर, इसलिए आए हैं, मौलाना साहब भी हैं मंडल प्रभारी जी, आज इसलिए आए हैं राम गंगा बरेली में एक बैराज आज से 10 वर्ष पूर्व उसकी निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन किसान की गाढ़ी कमाई को आज 10 साल पूरे हो गए हैं, वो 329 करोड़ से वो योजना शुरू हुई थी, लेकिन इन सिंचाई विभाग के लापरवाह अधिकारियों के कारण आज वो 3280 करोड़ पर बजट उसका हो चुका है। उसके बाद भी वो परियोजना आज तक इन्होंने शुरू नहीं की है। उसके निर्माण को लेकर किसान एकता संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सोरन प्रधान के नेतृत्व में उनके निर्देश पर आंदोलन जारी है। वो इतनी बड़ी परियोजना है कि बरेली और बदायूं के लाखों किसानों को सिंचाई का लाभ उस परियोजना से मिलने वाला है, लेकिन इन लोगों ने, जो अभी आपने देखा, इनकी लापरवाही इतनी बड़ी है कि बरेली और बदायूं का किसान परेशान है। वहाँ हम आंदोलनित हैं 3 महीने से। हमने जब वहाँ देखा कि उन पर दबाव बनाने से काम नहीं चलेगा, ये तो यहाँ जो इनके चीफ हैं मुरादाबाद में बैठे हैं, उनकी नींद हमें खोलनी पड़ेगी, उनको हमें जगाना पड़ेगा, उनको ये समझाना पड़ेगा कि इस देश का किसान अब मूर्ख नहीं है। उसकी गाड़ी कमाई को आप एसीओ में बैठकर और बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में बैठकर ऐसे इसे आपको हम लूटने नहीं देंगे। इसलिए आज किसान एकता संघ का ये प्रतिनिधि मंडल चारों जिलों का आज यहाँ इसलिए आया है कि या तो इस पर शीघ्र जल्दी से जल्दी इसे शीघ्र निर्माण करा दो, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन किसान एकता संघ इस परियोजना को लेकर करेगा। उसकी जिम्मेदारी चीफ मुरादाबाद पूर्वी रामगंगा के जो चीफ बैठे हैं जहां कार्यालय पर हम हैं, उनकी होगी, शासन की होगी और प्रशासन की होगी। आज ये चेतावनी देने इनको हम लोग यहां आए हैं।